तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही आप सभी लोगों से मैं माफी चाहती हूँ। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन छोटी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसी वजह से आज बनाया है, वो भी अपनी भाषा में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ हुई हैं और बहुत 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 अच्छे हुई हैं, और ईश्वर आप सभी लोगन के ने स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़त रहे और खूब तरक्की करत रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। आज का हम ब्लॉग बना रहे हैं वो अपनी भाषा में बना रहे हैं, जैसे कि हमारे गांव में भाषा बोली जाते तो वही में बना रहे हैं। बहुत कमेंट आवत रहे कि दीदी अपन भाषा में बनाओ, जैसे आप लोग घर में बोलती हो वैसे भाषा में पूरा ब्लॉग बनाओ, हम लोगन के लिए आपकी भाषा बहुत अच्छी लागत है। सोचें चलो आज यही तरीके हम ब्लॉग बना दे थे जिससे कि हम घर में बोली थी। तो अबे दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और झाड़ू वाड़ू सब हम लगा दिन है, बर्तन धो के रख दिन है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चटनी पीसे, कहे कि चटनी पीस के हम खाते ले जेबे, और सब लोग चले गए, यानी कि जो हमारी ननद है, सास है, सब लोग चली गई है, अब हम जेबे। तो काम वगैरह तो हमारा हो ही गए हैं, वही के बाद चटनी पीस ले जल्दी थे, फिर पहुंचे थे आप लोग भी हमारे। और वही के बाद यहाँ पर हम ले लिया है हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, और यो है काला नमक, और एक ही चटनी ना बहुत अच्छी लागत है। और ज्यादातर यही तरह की चटनी हमारे यहाँ बनत है। और दोस्तों अब बीच में बहुत ज्यादा हम डरा डरा के बोल रहे हैं, क्यों कहे की आदत नहीं पड़ी रहा ना इतना की बोले की, और ऐसे तो घर में सब लोग यही तरीके बोले थे, लेकिन जब वीडियो वगैरह में बोली थे तो फिर वही तरीके बोले थे, तो थोड़ा सा अटपटा रहे, तो आप लोग हंसे ना, और हुई सकत है बहुत हमारे दोस्त हंसी हैं ये वीडियो देखकर, और बहुत जो है मजाक उड़ाई है हमा, लेकिन हमारा भाषा यही तरीके है जिससे हम बोली थी। और बहुत सारे दोस्तन की जो है रिक्वेस्ट आई रहे कि दीदी एक बार अपनी भाषा में बोलो, तो हम कहा चलो आज बोल के बता देते कि हमारे यहाँ कितना के बोला जाती है। और खेतन में देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बस हरे भरा है। तो यहाँ पर चारू के साथ हम आगे हैं अपनी बिटिया रानी के साथ, और मम्मी और ननद जी और चाची लगी हैं खेतन की सफाई करे खातिन। कहे कि जब यू बोवा गर रहे तब तो इतनी घास नहीं रहे, लेकिन अब बहुत घास हुई गई है, तो घास की वजह से ये बिरवा ज्यादा बड़े न हुई पाई है, यही लिए घास इनकी निकाली जा रही। तो हम चले आए हैं। तो दोस्तों इमा गाजर बोई गए रहे जिमा की बड़ी बड़ी घास हुई गई है, तो घास निकाली जा रही है। देखो तो जब घास निकाल दी जाए तो जो गाजर है अच्छे से बैठ जाए, मतलब अच्छी गाजर होई, तो ये लिए सब क्यारी की जो है घास निकाली जा रही। तो दोस्तों पहले की वीडियो निकाल के देख लो, जब बोए गए रहे तब हम दिखावा रहे कैसे बोई जाते, तो अब इतने बड़े बड़े जो है पौधा हुई गए हैं, और अभी इनमें टाइम लगी, महीना दो महीना भी लाग जाए इनका गाजर बैठे में, मतलब तो जब घास निकाल दी जाए तो बढ़िया हुई जाए। वैसी धनिया बोई है, वैसी लहसुन बोए हैं, और वैसी चना का साग है जो वहीं दिखाई दे आप लोगन का। और जब खेतन की बुवाई चलत रहे तब तो हम वीडियो बनावा रहे और डारो रहे, तो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करे रहो, तो हमका अब तो बिरवा बड़े बड़े हुई गए हैं, तो अब दिखा दी आप लोगन का। तो मटर है, लहसुन है, मेथी है, बहुत सारी चीजें बोई हैं, तो आप लोगन का वही बताइए। और हम लोगन के यहाँ खेतन में चप्पल नहीं पहन के जावा जा, जहाँ पर मतलब खाए पिए की चीजें होती हैं, तो वहाँ पर फिर चप्पल नहीं पहन कर, और ननद जी यहाँ पर लहसुन को निरा रही, मतलब घास जो है साफ कर रही है, और जब निरा दिया जाए तो फिर पौधा जो है अच्छे से बढ़िए और खाद वगैरह डाल दी जाए निराई के बाद में। तो हियन पर बिटिया रानी आ गई हैं आप लोगन का घुमावे खातिन, और दिखा रही हैं कि का लाग है, तो आप लोग बिटिया रानी के साथ घूमो। आगे चलो, ये वाले देखो इतने बड़ी हो गई है, दूसरी आए थे अपने, चलो ये देखो छाप छाप। आगे देखो चलते दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों ऊपर आओ, ऊपर आओ दोस्तों, ऊपर ऊपर चलते आओ ऊपर, चलो दो नहीं, अरे चलो दोस्तों अभी भी साथ हैं दोस्तों, दोस्तों डबल में आओ, ये देखो छोटी सी देखो आते, देखो ये देखो आते, इसमें देखो आते,
इतने सारे जितना सारा हमने लगाया था उसको तो हम इस तरह घर पे लेते चलेंगे। चलो दोस्तों हम इस तरह घर पे लेते चले। चलो दोस्तों अरे चले ये देखो दोस्तों दोस्तों चुमा रहे थे तो गोभी टूर के ले ही है वह बता रही कि का छील दो। अभी छोटे छोटे जो है गोभी लागी है उसके बाद हम आगे हैं चना का साग खाएं यानी कि जो चना के पौधा होते हैं ना वे थोड़ा थोड़ा सा बड़े हुई गए हैं और चटनी पीस के हम यही खाते ला रहे हैं कि चटपटी चटनी हुई और चना का साग हुई तब तो बहुत ज्यादा अच्छा लागत है। और कौन कौन दोस्त हमारा चना का साग खाते हैं कमेंट में जरूर बताओ और सच बताए तो बहुत ज्यादा अच्छा लागत है इस समय। और नई नई कोपले होती है उनका तोड़ के खावा जाते और थोड़ा थोड़ा खट्टा रहा ना तो खाए में बहुत ज्यादा अच्छा लागत है। और गावन में तो सब लोग ऐसे ही खाए आवत खेतन में और इनकी तोड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी हो कहा अगर तोड़ाई ऊपर ऊपर की कर दो तो जो पौधा है भी घने घने हुई जाती है। तो दोस्तों यू देखो इतना चना का साग और हल्का सा खट्टा रहा तो और अच्छा लागत है। तो आप लोग अगर खाए हो तो कमेंट में जरूर बताओ नहीं खाए तो चले आओ खाते खाए के लिए के साथ आप लोग भी खा लो मजा रहा। और जो चटनी पीसे रहा ना वह थोड़ी सी तीखी पीसे रहा जिमा खाए में अच्छा लागे यानी चटपटा सा लागे। तो यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाओ खाए के लिए। और दोस्तों यो जीरा है जो जीरा बोआ गा रहा है आप लोग देखे रहो तो इतने बड़े बड़े पौधा हो गए हैं जीरा के जब तो जीरा लगी है तब दिखे भी आप लोगों का लग रहा ना तीखी चटनी जीरा है मेथी है पालक है आलू है मतलब हर सब्जी मिल जाएगी खेत में ने छोटी छोटी क्यारी बनी है वही सब लाग है। तो चना का साग खा लीन है वेके बाद हाथ वाथ धो के आगे हैं यहाँ पर लगी है मेथी तो मेथी के हम तोड़ी रहे हैं पूरा पेड़ नहीं उखाड़ी रहे हैं वो पत्ता पत्ता जो हो तो वो तोड़ी रहे हैं और मेथी का कुछ बनाई घर में जाके ने और वैसे कहा जा रहा है कि एक तोड़ लो क्योंकि घनी है ना तो ज्यादा घने पौधा हो तो वह नहीं ठीक होते तो यहाँ पर तोड़े ले रहे हैं हम मेथी और सब लोग तोड़वा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम लग जाए तोड़े मैंने। और जोन दोस्तन का हमारा भाषा नहीं समझ में आ रही भाई तो हाथ जोड़ के माफी चाहिए थे लेकिन बहुत डरा डरा हम ये वीडियो बनावा है कहे कि हमारा बहुत सारे जोन सब्सक्राइबर हैं विकाहत रहे दीदी अपनी भाषा में वीडियो बनाओ तो मजबूरी में हमका बनाए पड़ा वैसे हम लोग घर में इसे बोली थे और हम लोगों का बोले में कोनो शर्म नहीं लागत है बस यू डर लाग रहा कि पता नहीं आप लोगों का समझ में आवे कि ना आवे कहे कि सबके यहाँ की भाषा अलग अलग होती है आप लोगों के यहाँ कुछ अलग बोला जात हुई और हम लोगों के यहाँ कुछ अलग बोला जात हुई तो कहूँ पर गलती हुई रही तो बार बार आप लोगों से यही कह रहे हैं कि हमका माफ कर दिनो। तो वही के बाद हम लोग आगे रहन घरे और घर आके बाद सबसे पहले हम यह करा जो मेथी हम ला रहे ना तोड़ी के तो वही का हम फिर धुल के रखे दे रहे हैं दो तीन पानी से धुले पड़ा रहा है तो धुल के रख दे रहे हैं और एक सही से लगा क्योंकि ऐसे काटत नहीं बनन ना चाकू से तो तह करके लगा रहे हैं। और आज हम सोच रहे हैं कुछ आप लोगों का कुछ स्पेशल बना के दिखाई क्योंकि इस समय ना ठंडी परे लागी है और हरी हरी सब्जियों ख्यातन में लागी है बाजारन में आवे लागी है तो पालक आवत है कहूँ बथुआ आवत है तो कहूँ ये मेथी आवत है तो आज मेथी तोड़ के लाएं और एक हम पहले चाकू से काटा लेकिन नहीं कटत रहा है फिर हम हसिया लिया हसिया से जो है ना बारीक कटी जावत है। तो यहाँ पर हमारा जो है मेथी कट चुकी है और अगर मेथी की कचौड़ी बनती है पूड़ी बनती है मेथी की सब्जी बनती है सोया मेथी लेकिन हम सोया ना डालब केवल मेथी की बनाब तो अगर अच्छी लगे रेसिपी तो आप लोग बना सकते हो क्योंकि ठंड में तो इतना की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पर लिया है हम तीन से चार उबली आलू ले लिया है वे के बाद यहाँ लिया है गेहूं का आटा वही माँ लगा दिया है मोयन और अच्छे से मिला देवे। तो आटा अच्छे से मिला लिया है वही के बाद इमा हम डाल रहे हैं करीब 4 से 5 चम्मच सूजी वही के बाद जो आलू उबाल के रखी है ना वी मैश कर लिया है अच्छे से तो वो भी मिला दीन है वही के बाद इमा जो मेथी हम काट के रखे रहन वह मिला देवे। और मेथी हाँ एक बात का ध्यान रखियो कि मेथी जो है बिल्कुल गीली ना हो थोड़ा सा एक सुखा लियो काटे के बाद तब डालो वही के बाद इमा हम डाल दिया है नमक लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया वे के बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया और थोड़ी सी चीनी डाल देवे और चीनी डाले से क्या हुई ना पूड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आवत है यानी आटा पूरा सेट हुई जाता अच्छे से।
और हाथन से रगड़ रगड़ के आटा लगाए पड़ी। पहले सारी चीजन का अच्छे से मिला रहे, वही के बाद फिर हम पानी डाल के हम आटा लगाए दे और थोड़ा सा सख्त आटा लगाए पड़ी, क्योंकि नमक पड़ा है तो रखे रखे वो थोड़ा सा ढीला हुई जाये, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगावत जेबे। और बहुत सारे दोस्त हमारे हाथ का पूछत रहे, दीदी अब आपका हाथ कैसे? तो हाथ हमारा ठीक है, अब बस यू है निशान जाए, मैं थोड़ा सा टाइम तो लगबे करी। और आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो कि हम लगाए थे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी समस्या का अपनी समस्या समझते हो, और जो कुछ भी आप लोगों का पता हो तो कमेंट के जरिए बतावत हो। तो आटा लगा के रख दीन है, वेके बाद आगे हैं मसाला पीसे, क्योंकि सब्जी भी बनाया है। तो मसाला में गरम मसाला, धनिया, मिर्च, प्याज, लहसुन यही सब लिया है और पीस लिया है बारीक, और हल्दी तो पीसी रखी ही है। और बहुत सारे दोस्त पूछा करते थे, दीदी सिलबट्टा उल्टा रखा है, तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा था सही करेगा, और शुरू से ऐसा रखा है तो आदत पड़ गई है ये तरीके की पीसे की। तो यहाँ पर हम तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, डाल दिया है जीरा, उसके बाद प्याज, और वह के बाद जो मसाला पीस के रखा है वो डाल दिया है, और डाल दीन है हल्दी, और थोड़ी सी हींग हम बाद में डाले रहन, थोड़ी सी पहले डाल दी रहन और थोड़ी सी बाद में डालें ताकि महक जो है अच्छी आवे। और वह के बाद डाल दीन है टमाटर काट के, कहे कि आलू तो हमरी उबली ही रखी रहे, यानी आलू उबाल लिया है आलू मटर का, तो टमाटर पहले डाल के पका ले अच्छे से, और जब मसाला अच्छे से पक जावे तो सब्जी अच्छी बनत है। वह के बाद डाल दिया है नमक, और मसाले पकाए में टाइम लगा रहे, और मसाला जब हमारा पके वाले हुई गए रहे तो वही के बाद इमा हम डाल दिया है कसूरी मेथी, यानी हल्का सा मैश कर लीन है हाथन से, वही के बाद डाल दिया है। और कसूरी मेथी डाल दो तो महको अच्छी आवत है और देखिए हम अच्छा लागत है। तो पानी डाल के पहले अब मसाला पका लिया है, जब मसाला हमा उबले लाके यानी पानी डाले के बाद तब उबली आलू और उबली मटर डाल देवे। तो इस तरीके सब्जी बनाओ बहुत ज्यादा अच्छी बनत है, और स्वादो अच्छा आवत और महको अच्छी आवत है, बिल्कुल भंडारा तरीके लागत है। तो हम कहा चलो आज इस तरीके सब्जी आप लोगन का बना के दिखा रहे हैं, और बंद कर दिया रहे के बाद फिर खोला, और में डाले आमचूर पाउडर थोड़ा सा, कहे कि आमचूर पाउडर डाल दो तो स्वाद और बढ़ जाते। और यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है सब्जी बनाए में, करीब 10 मिनट के बाद सब्जी हमारा तैयार हो चुकी रहा है। तो एका निकाल के रख देवे, और वही के बाद आटा लगा रखा है हमार सेट हो चुका है, वेका दोबारा हम सेट कर लिया रहे हाथन से। तो दोस्तों सब्जी हमारा बन चुकी है, रह गई है पूरी बनाए का, तो पूरी नना जी बेल रही हम निकाल लेवे, और मेथी की पूरी बहुत अच्छी बनती है। और जब आटा लगाए रहा तो इमा थोड़ी सूजी डाल दिया रहे, तो इससे जो है अच्छी पूरी बनी है, क्रंची वाली, करारी, और मोवा लगा दिया तो मुलायम बनी है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके आटा लगा है, बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। आप लोग देखो और अच्छी लगे तो आप लोग बनाओ। और एक बात जरूर कहिवे इस जगह पर कि सब तरीके की पूरी खाए हुई हो, अगर मेथी की इस तरीके की पूरी बना के खाइयो ना तो सबका बहुत ज्यादा पसंद आई, और हमका लगा ठंडी भर यही पूरी बना बना के खाइयो, क्योंकि हमरे के यहाँ तो सबका बहुत ज्यादा पसंद आई रहा है ये वाली पूरी। और फिर तो अपन अपन पसंद होते, लेकिन हाँ ये पूरी फूल बहुत ज्यादा रही रहे और बहुत ज्यादा क्रंची बनी रहे। और दोस्तों आप लोगों की वजह से हमार 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और आप लोगों का जितना धन्यवाद करी ना उतना कमे पर रहा है। और दोस्तों हमार यूट्यूब फैमिली 20,000 की हुई है, और हमार का है आप लोगों की फैमिली आए, आप लोग बनाए हो इतनी बड़ी फैमिली, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपन प्यार, अपन सपोर्ट, अपन आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो, काहे कि जो कुछ भी हुई रहा है आप लोगों की वजह से हुई रहा है। तो बस यह भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जहां भी रहो खुश रहो और खुशियां बांटत रहो यही तरीके। तो दोस्तों पूरी तैयार हो गई है, और आप लोगों का दिखा रहे हैं कि कैसी पूरी बनी है, और ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है, बहुत ही मुलायम खस्ता पूरी तैयार हुई है, ये देखिए कोई भी खा सकता है आराम से, बच्चे बूढ़े कैसे भी तोड़ सकते इसको, नहीं जितना पतले बेलेंगे उतनी अच्छी पूरी बनेगी। तो दोस्तों आप लोग खा लियो आलू मटर टमाटर की चटपटी वाली सब्जी, भंडारा वाली नहीं कह सकी थे कहे कि प्याज पड़ा है, और वही के बाद मेथी की गर्मा गर्म क्रंची वाली पूरी, और खा के बताओ अगर पसंद आ जाए तो बना के, तब खा के तब बताओ कमेंट में। तो दोस्तों डेर तो बड़ा लग रहा कि वीडियो पर जाए, वही के बाद काय का रिएक्शन आई, कैसे कैसे कमेंट रही है, लेकिन हम अपने दोस्तन खातिन बना दिन है, अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दियो।
तो यही के साथ ही आज का वीडियो यहीं पर कर दे समाप्त। आप सभी लोगन का हमार प्यार भरा नमस्कार।